कैसे हो आप लोग दोस्तों? आप में से बहुत ऐसे बच्चे जो कि भी कॉलेज पास आउट हो रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं, अब उनके दिमाग में यह चीज आता है कि कौन सी प्रोफाइल में एंट्री करूं, क्योंकि उनको पता भी नहीं एग्जैक्टली कि प्रोफाइल कौन कौन सी है। अब स्टार्टिंग में उनको जो ऑफर हुआ वही सोचते हैं, चलो पकड़ लो बाद में देखेंगे। बट ऐसे करते करते वो 3-4 साल अपने लाइफ के करियर में इधर ही उधर घूमते रहते हैं, कभी इस प्रोफाइल में चले गए, कभी उस प्रोफाइल में। और 4 साल के बाद जो उनकी ग्रोथ होती है बहुत कम हुई रहती है, तब उनको पता चलता है कि यार इस प्रोफाइल में पहले चले गए होते तो हम बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच गए होते, क्योंकि 4 साल किसी भी एक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस, मतलब आप अर्धशतक को तो आराम पार कर चुके हो, मतलब 50,000 के ऊपर की सैलरी आराम से उठा सकते हो अगर किसी भी एक प्रोफाइल में 4 साल तक काम की हो तो। तो कौन कौन सी गाइस ऐसी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जिसमें हमको जाना था या फिर जाने से ग्रोथ होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, आप सबको पता है एजुकेशन महाकुंभ चल रहा था जिसके माध्यम से अपना जो यूनिक सिविल ऐप था उस पर 50% ऑफ थे हर एक कोर्सेस पे, आज उसकी लास्ट डेट है। सो जिसने भी उसका फायदा नहीं उठाया है जाके उठा लेना, आज 10वां दिन है, मतलब लास्ट डे है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे बेस्ट अगर सिविल इंजीनियरिंग की प्रोफाइल की बात आती है तो सबसे बेस्ट प्रोफाइल तो सबको पता होता है, दैट इज योर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। पूरी तरीके से व्हाइट कॉलर जॉब है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। जिसको लॉजिक लगाना पसंद है वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर बेस्ट करियर कर सकता है। इसमें से कई ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए एमटेक कंपलसरी है, तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको जहां से मिली है उसको अवॉइड कर दो। स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए अगर एमटेक कर लेते हो तो बेटर है, बट आप बीटेक के बाद भी एंट्री कर सकते हो, बी के बाद भी एंटर कर सकते हो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोफाइल में। बेस्ट व्हाइट कॉलर जॉब, और इसका फ्यूचर तो पूछो मत, किसी दिन फ्यूचर के बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरी सबसे अच्छी प्रोफाइल है बीम की, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की। किसकी? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अगर आप जॉब सर्च करोगे तो 5 में से 1 जॉब बीम इंजीनियर की जरूर होगी, बीम मॉड्यूलर की जरूर होगी, बीम मैनेजर की जरूर होगी, बीम कोऑर्डिनेटर की जरूर, मतलब इसमें से किसी न किसी प्रोफाइल की एक जॉब मिलनी 100% फिक्स है। तो बीम एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो अभी तक तो केवल फॉरेन कंट्रीज में था, बट अभी इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पर आ चुका है, ठीक है। तो मैंने तो दोनों के लिए सेपरेट कोर्स ही बना दिया है, स्ट्रक्चर के लिए ऑल इन वन, बीम के लिए बीम का पूरा कोर्स मैंने 4 महीने का तैयार करके आपको दे दिया है ऐप पर, जिसको देखना है वो जाके देख सकता है। तो बीम के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सबको पता है मोस्ट डिमांडिंग में बीम है, ठीक है। तीसरी सबसे अच्छी प्रोफाइल जो मुझे लगती है वो पीईबी इंडस्ट्री की लगती है। किसकी? पीईबी इंडस्ट्री की, यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। जैसे जैसे लोगों के पास टाइम कम हो रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए, वैसे वैसे ये इंडस्ट्री और ग्रोथ पे जा रही है, और ग्रोथ पे जा रही है। पीवी इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से व्हाइट कॉलर जॉब है, सॉफ्टवेयर वेस्ट पूरा का पूरा काम है, आपको साइट पर खड़े होकर पूरा का पूरा बाल व्हाइट नहीं करना है, आराम से आप टेक्ला स्ट्रक्चर्स हैं, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर्स है, स्टैट प्रो है, ऑटोकैड है, इनकी हेल्प से पीवी पे बेस्ट नॉलेज ऐड कर सकते हो। और साथ ही साथ पीवी में जो जॉब मिलती है उसमें पैकेज आप सर्च कर लेना, मेरी बात मत मानो, गूगल करो पीवी इंजीनियर, ठीक है, पीवी जॉब्स, ठीक है, आपको पैकेज दिखेगा, 2-3 साल का एक्सपीरियंस में 6-6 लाख के पैकेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पीवी कैसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, भीड़ भी कम है, राइट टाइम है उसके अंदर एंट्री करने का। चौथी और एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी शायद आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता भी नहीं होगा उस इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, दैट इंडस्ट्री इज प्रीकास्ट इंडस्ट्री। कौन सी? प्रीकास्ट इंडस्ट्री। प्रीकास्ट में अभी इंडिया में कंपनियां कम हैं, लेकिन ऐसे लोग जिसको प्रीकास्ट के बारे में नॉलेज है वो लोग भी कम हैं। तो पीवी के बाद अगर मैं बात करूं तो प्रीकास्ट इस समय बूम पे जा रहा है, अभी तो बड़े शहरों में, लाइक मैं पुणे में रह रहा हूं, मुंबई में देख रहा हूं, दिल्ली में देख रहा हूं, बहुत ढेर सारी बिल्डिंग्स प्रीकास्ट बेस बनने लगी हैं, मेट्रो का बहुत ढेर सारा काम प्रीकास्ट बेस होने लगा है, मतलब प्रीकास्ट धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मुझे खुद ही सोचो कि अगर मुझे अपना खुद का घर बनवाना है और मुझे ऐसा घर बनवाना है जिसको बनवाने में एक्चुअली में अगर कन्वेंशनल मेथड से जाऊं तो लगभग 3 साल लग सकता है, तो मैं कैसे वेट करूंगा 3 साल अपने सपनों के लिए? अगर कोई बोलता है कि 3 महीने में ये काम मैं आपको कर दे दूंगा तो मैं बोलूंगा तुसी ग्रेट भाई, कर दो,
राइट। इसीलिए बहुत ही तेजी से प्रीकास्ट इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम कर रही है। आप जॉब खुद उस पर सर्च कर लो, पैकेज देखो, और बहुत ढेर सारी ऐसी कंपनियां भी हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो बताइए, कंपनी भी बताऊंगा कौन कौन सी प्रीकास्ट बेस्ड कंपनियां काम कर रही हैं। इसमें भी आपका फ्यूचर जो है पूरी तरीके से सेव है। अगर कहीं जॉब मिल रही है, गो फॉर दैट। अभी कल या परसों कुछ बच्चे कॉल किए थे कि सर मुझे प्रीकास्ट के लिए ऑफर आया है, गो फॉर दैट, डोंट वरी, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ठीक है। पांचवी कौन सी प्रोफाइल हो सकती है? पांचवी में थोड़ा सा मिक्सअप है। मिक्सअप क्या है? मिक्सअप उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की भी प्रोफाइल है और साथ ही साथ बिलिंग इंजीनियर की भी प्रोफाइल है, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपकी जॉब लगती है तो भी बेटर है, और बिलिंग इंजीनियर में है तो भी बेटर है, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आप सबको पता है कि आपको MSP या प्राइमेरा आना चाहिए, ठीक है। बिलिंग के लिए आपको अच्छे तरीके से एक्सेल और क्वांटिटी टेकऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये दोनों प्रोफाइल ही एक तरीके से मानो तो पांचवीं पे मैं इन दोनों को रखता हूं। कौन कौन सी? एक तो बिलिंग इंजीनियर की रखता हूं और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। दोनों ही प्रोफाइल अच्छी है, बट अगर मुझे बोलोगे तो मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर वाली प्रोफाइल को चूज करूंगा, ठीक है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी प्रोफाइल में एंट्री करना है। तो ये सब बेस्ट प्रोफाइल थी पांच के पांचों। अगर आप अभी अभी निकल रहे हो कॉलेज से तो भाई अभी से फिक्स कर लो कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। मैंने यूनिक सिविल ऐप पर बहुत ढेर सारे फ्री लेक्चर डाल रखे हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि भाई कौन सी इंडस्ट्री में बेटर है। क्यों डाला है? उसका सिर्फ एक पर्पज है कि अगर ऐप पर आप जाते हो और वॉच करते हो तो आपको आइडिया तो लगेगा लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री में कि अच्छा इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। नहीं है तो उस इंडस्ट्री में मत जाओ। सुबह एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि सैफ नाम था उसका, तो उसने मैसेज किया कि सर मैं बीम इंडस्ट्री में जाना चाह रहा हूं। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बोला मुझे स्ट्रक्चर की ड्राइंग प्रोड्यूस करनी है, एनालिसिस करनी है। अब देखो उस बेचारे को नहीं पता था, तो मैंने तुरंत ही उसको बताया, कहा कि बीम इंडस्ट्री के लिए मत करो, ठीक है। शायद इनरोल करने जा रहा था कोर्स में, मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए बीम नहीं था। बीम था किसके लिए? उसके लिए जो मॉडलिंग में बेटर करना चाहता है, जो मैनेजमेंट में बेटर करना चाहता है, वो बीम में जाए, ठीक है। जो स्ट्रक्चर, जो उसका जो काम था वो स्ट्रक्चर का था, तो मैंने उसको ऑल इन वन रेफरेंस किया। मैंने कहा ऑल इन वन में जाओ, वो तुम्हारे काम में आएगा। तो चीज वही सीखो जिसमें आप करियर बनाओ तो आपका ग्रोथ हो, प्लस आपका इंटरेस्ट हो। गाइस इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी। अब इन पांचों प्रोफाइल में से लगभग सबके लिए सोल्यूशन मैंने निकाल दिया है। दो इंडस्ट्री ऐसी है जिनका सोल्यूशन मेरे पास अभी नहीं है, तीन इंडस्ट्री है। तो एक इंडस्ट्री जो PEB की है, जिसमें मैंने बताया कि करियर आप बनाओगे तो बहुत बेटर होगा, उसकी 10 जुलाई से लाइव बैच चला रहा हूं। 2 महीने का कोर्स रहेगा, फुल PEB, ठीक है। कल वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगा, उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि भाई उसमें क्या क्या है। जिसने भी अपनी सीट नहीं बुक की है वो लोग अभी से बुक कर लोगे तो आपका बेनिफिट होगा। उसका तरीका मैं बताया था कि कैसे बेनिफिट होगा आपका। तो PEB में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो गो फॉर दैट, मतलब कम फॉर दैट। और उसके बाद प्रीकास्ट में अगर तुम बनाना चाहते हो तो थोड़ा इंतजार करो, प्रीकास्ट के लिए भी हम लोग की प्लानिंग चल रही है, और MSP तो बहुत जल्दी होने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ आपका बीम और ऑल इन वन मतलब स्ट्रक्चर्स, दोनों के लिए मैंने सोल्यूशन दे दिया है। होप आप सब लोग अपने करियर में अच्छा करो। यही बोलूंगा कि भटकने से अच्छा है कि एक राइट डायरेक्शन में 2-3 साल लगा दो। कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने इंजीनियरिंग की बात की, आपने सिविल इंजीनियरिंग की बात की, आपने साइट इंजीनियर का प्रोफाइल का नाम ही नहीं दिया इन पांचों में। तो भाई देखो, अगर सच बताऊं तो मैं उस जॉब को इंजीनियर की जॉब नहीं मानता जो सिर्फ और सिर्फ साइट पर खड़े होकर सुबह से शाम तक लेबर के तरह काम करे। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आप सबको पता है किसी एकाक की साइट सही होगी मैक्सिमम जगहों पर क्या होता है, ठीक है। 14 फ्लोर से कॉल किया जाता है कि भाई आके चेक करो, तो आप नीचे से जाते हो ऊपर तक और ऊपर जाके पूरा टाइम वो करते हो। मतलब कुल मिला के वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे है कि लेबर के साथ खड़े रहना, दैट इज नॉट अ सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप उस तरह की प्रोफाइल में खड़े हो, बिलीव करो इसमें ग्रोथ नहीं है गाइज। आज नहीं तो कल आपको पछतावा होगा। जो भी लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं 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 बेस्ट है, ठीक है, खुद ही आप 3 साल बाद उनको रिप्लाई दोगे कि यार हमें गलत बताया आपने कि बेस्ट है, मैं उसको प्रोफाइल नहीं मानता हूं। मेरे पास भी, मेरी भी साइटें चलती हैं, ठीक है। 12th pass बच्चे हैं उनको मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12th pass वाले छोटे बच्चे हैं, 12th pass करके जो लोग हैं वो साइट पर खड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, कम पैसे में कर रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर वही काम है। सुपरविजन के लिए मैं इंजीनियर्स को भेजता हूं, सुपरविजन कर लेते हैं, मैं खुद भी जाता हूं सुपरविजन के लिए, दैट इज सफिशिएंट। बट सुपरविजन के लिए दिन भर नहीं खड़े रहना है, ठीक है जी। दिन भर खड़े होने के लिए अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, नहीं, आपने कुछ क्रिएटिव करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग की है। ये जो पांचों प्रोफाइल बताई है ये भाई, ये क्रिएटिव करने वाली प्रोफाइल है, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे बीम हो, चाहे PEB हो, चाहे प्रीकास्ट हो, और चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, सबके सब क्रिएटिव फील्ड है, और यही एक्चुअल इंजीनियरिंग है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको होप लगा होगा कि वीडियो थोड़ा कुछ आपके नॉलेज को इन्हेंस किया है, तो भाई थोड़ा शेयर कर दिया करो यार। ये सोचा करो कि सर डेली
कोशिश करते हैं। मतलब मैं उस कंटेंट के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, तो कुछ लोग तो उसको वॉच ही नहीं करते कि उनको पता ही नहीं कि ये भी होता है। तो अगर आप लोग हेल्प करोगे, कॉलेज में अपने शेयर करोगे, तो डेफिनेटली थोड़ी सी हेल्प होगी। यार मुझे भी, मैं भी तो डीमोटिवेट हो सकता हूँ, बट होता नहीं हो क्योंकि मुझे पता है मुझे बड़े ऊपर तक जाना है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।